नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हेल्थ खजाना। मैं आपका न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विटामिन के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप डिप्रेशन में आ जाएं उसके बारे में सोच सोच के। दोस्तों, विटामिन डी के बारे में किसी वीडियो बनाने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, क्यों ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन मेरा मकसद ये था कि एक अजीब सा हवा क्रिएट किया जा रहा है विटामिन डी को लेकर, और तमाम लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं उन्हें देखकर। आप यूट्यूब पे आएंगे तो तमाम ऐसे वीडियो आ रहे हैं विटामिन डी के बारे में, और बड़ा कुछ हंगामेदार एक उसके ऊपर वो लगा हुआ है थंबनेल कि विटामिन डी थ्री की कमी है ना, और आप कंफ्यूज हैं कि बचपन से तो स्कूल में पढ़ा था विटामिन डी, अब ये विटामिन डी थ्री कौन सी बला आ गई, ये डी टू क्या हो गया। तो दोस्तों, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बेसिकली ये वीडियो मैंने बनाया। रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं हुआ, इट्स द सेम विटामिन डी। ये वही विटामिन डी है जो आपने स्कूल में क्लास 5, 6, 7, 8 क्लास की बुक्स में पढ़ा है, वही विटामिन डी जिसको आपने याद किया था कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स नाम की हड्डियों की एक बीमारी हो जाती है, राइट? तो आइए बात शुरू करते हैं। तीन डिफरेंट पार्ट्स में हम अपनी बात को रखेंगे। नंबर वन इज व्हाट इज विटामिन डी एंड व्हाट इज इट्स रोल, ये क्या है और क्या रोल है इसका हमारी बॉडी में। इट्स वेरी वेरी सिंपल, एकदम कंफ्यूज मत होइए, किसी लंबी चौड़ी चीज में जाने की जरूरत नहीं। मैं आपको 3-4 पॉइंट्स में बताता हूं, राइट? और ये वही विटामिन डी है जिसको आपने हमेशा से जाना है, राइट? तो इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस जैसा नहीं है। देखिए, इसका जो रोल है हम सब जानते हैं ऑलमोस्ट, स्कूल का बच्चा से लेकर के बड़े तक, कि विटामिन डी का रोल हमारी बोन्स के लिए है ना, हमारे बोन्स में, बॉडी में से कैल्शियम हमारी बोन्स में एब्जॉर्ब हो सके, उसमें विटामिन डी का रोल है। हम सब जानते हैं कि विटामिन डी की कमी से हड्डियों में तकलीफ होती है, राइट? और तो इसको हम अगर ऐसे घुमा के कहें कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है और फ्रैक्चर होने से बचाता है, राइट? और रिकेट्स से आपको बचाता है, तो वन एंड द सेम थिंग, इसको हम घुमा के कह रहे हैं। नंबर टू, विटामिन डी का फंक्शन आपका ब्रेन फंक्शन इंप्रूव करने में भी है, राइट? ब्रेन फंक्शन इंप्रूव करेगा यानी कि यू विल हैव अ हेल्दी माइंड स्टेट। तो इसको उलट के कहें तो आपका मूड ठीक रखने में उसका रोल है, राइट? और एक तीसरा फंक्शन, ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है। अब इसको इंटरप्रेट करें तो यूं कह सकते हैं कि आपको सैड सिम्टम से बचाता। व्हाट इज सैड? सैड इज सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम बना दिया है कि आप चक्कर में पड़ जाएंगे कि ये कौन सी बीमारी हो जाएगी। विटामिन डी आपको बचाता है आए दिन मौसम बदलने की वजह से जो आपकी तबीयत खराब होती है उससे, उसी को सैड कहते हैं, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, राइट? ये पूरा फील्ड ही जो है ना, ये जो मेडिकल का है, ये कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स के साथ एक आम आदमी इतना कंफ्यूज्ड हो जाए, इतना डर जाए कि उसकी समझ में ना आए कि मैं क्या करूं, और वो आके कहीं भी सरेंडर कर दे, जेब ढीली करने को तैयार हो जाए। तो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत रखता है, और इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा तो आए दिन मौसम बदलने पर आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक रहने वाली है। और जाहिर सी बात है कि इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा तो तमाम छोटी बड़ी बीमारियों से आपको बचाएगा। अब ऐसे कहने के बजाय मैं अगर ऐसा कहूं कि विटामिन डी आपको कैंसर, डायबिटीज, ऑटो इम्यून डिजीज, इन सब से प्रोटेक्ट करता है, राइट? हो गया ना थोड़ा कंफ्यूजन? तो इट्स एज सिंपल एज दिस। आपकी हड्डियों के रख रखाव के लिए उसकी जरूरत है ना, और अंग्रेजी में बोलेंगे तो इट प्रमोट्स बोन फंक्शन। अगेन कॉम्प्लिकेटेड, राइट? तो ये तो हो गई बात कि ये विटामिन डी क्या है और इसका हमारी बॉडी में क्या रोल है। अब एक सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चले कि हमारी बॉडी में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि आज
बहुत तादाद में लोगों की जो रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है। हम उस पर भी बात करेंगे क्यों, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जानना कि हमें कैसे पता चले कि हमारे को डेफिशिएंसी है या नहीं। नंबर वन, अगर आपको बोन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बोन्स में दर्द रह रहा है ना, बैक पेन रह रहा है, बैक बोन में दर्द रह रहा है, हड्डियां डीफॉर्म हो रही हैं जिसे रिकेट्स कहते हैं, पैर टेढ़े हो रहे हैं, उंगलियां टेढ़ी हो रही हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो इट्स प्रॉपर सिम्टम कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है ना। आप उसको जो मैंने आपका कहा कि उसका क्या रोल है उससे कनेक्ट करके देख सकते हैं। नंबर टू, अगर आपका ब्रेन फंक्शन प्रॉपर नहीं रह रहा है, यानी कि आपका मूड ठीक नहीं रहता, बहुत डलनेस रहती है ना, बात बात पर आप चिढ़ जाते हैं, तो देयर इज अ चांस कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही हो। नंबर थ्री, जैसा मैंने कहा था कि उसका फंक्शन है इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना, तो अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक रह रहा है, यानी कि अक्सर मौसम बदलता है और आपकी तबीयत खराब हो जाती है, कुछ लगा रहता है हमेशा, तो देर आर चांसेस कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही हो। और इससे कनेक्टेड बाकी चीजें, जैसे आपको चोट लग गई और वो ठीक होने में बहुत समय ले रही है, जो हीलिंग है वो बहुत स्लो है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। क्यों? अगेन, इम्यून सिस्टम वीक है संभवतः इस वजह से। आप अस्थमा जैसी प्रॉब्लम से तभी रूबरू होते हैं जब आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है। कोई ऐसी चीज है जिसको आपकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाती, उससे लड़ नहीं पाती, हार जाती है, राइट? तो ये वही चीजें हैं जिन चीजों में उसका रोल है। वो चीजें जब आपको सही ना दिखाई दे रही हो, है ना, हड्डियां, ब्रेन फंक्शन, इम्यून सिस्टम सब ठीक नहीं दिख रहा है, तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, चेकअप कराएं। नाउ द लास्ट पार्ट, आखिरी हिस्से में कि हम इस डेफिशिएंसी को कैसे और कहां से दूर कर सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, है ना, हमको आपको सबको पता है, ये विटामिन डी वही विटामिन है जो जिस समय सूरज की किरणें हमारे स्किन पे पड़ती हैं तो हमारी बॉडी उसको मैन्युफैक्चर कर लेती है, एज सिंपल एज दैट। अब आप कहें कि व्हाट इज D3, व्हाट इज D2 वगैरह वगैरह, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इट्स एज सिंपल एज दैट। विटामिन डी आपको चाहिए और वो भरपूर मात्रा में हमारे देश में उपलब्ध है। 12 महीने हमारे यहां धूप हुआ करती है, हम उस देश में नहीं रहते जहां लोग 6 महीने धूप के लिए तरस जाते हैं। तो हिंदुस्तान जैसे देश में विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन यह दुखद बात है कि आज WHO की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि हमारे देश में न सिर्फ हमारा देश विटामिन डी डेफिशिएंट हो गया है, बल्कि हमारे महानगरों में रिकेट्स भी कंप्लेन आ रही हैं, रिकेट्स की भी कंप्लेन मिल रही हैं, जो कि इराडिकेट हो गया था, रिकेट्स नाम की बीमारी समाप्त हो गई थी हमारे समाज से। लेकिन अब क्योंकि बड़े शहरों में एक ऐसा तबका भी है जो शाम को 5 बजे 6 बजे घर से निकल के ऑफिस जाता है और सारी रात ऑफिस में रहता है और फिर सुबह 5 बजे 6 बजे अपने घर पहुंचता है और आकर के सो जाता है और फिर दोपहर में 2 बजे 3 बजे उठता है और अपने नित्य कर्म खत्म करके वापस 5-6 बजे अपने दफ्तर पहुंच जाता है, यानी उन्हें सूर्य देवता का दर्शन होता ही नहीं। ये एक बड़ी समस्या है, उनको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से अपनी बॉडी को सनलाइट में एक्सपोज कर सके। नंबर टू, हमारे पास धूप पर्याप्त है, लेकिन हमारे चारों तरफ ऐसा हवा क्रिएट कर दिया गया है कि सूर्य की किरणों में अल्ट्रा वायलेट रेज हैं और वो नुकसान पहुंचाएंगी। तो हमने क्या किया, अपने आप को इस हद तक प्रोटेक्ट कर लिया कि सूर्य की किरणें हम तक पहुंचे ही ना। धूप में निकलेंगे तो छाता लेके निकलेंगे या फिर ऊपर से नीचे तक पूरे ढके हुए रहेंगे, मुंह खुला रहता था उसको भी बांध के चलने का चलन आ गया है, तो किसी भी तरीके से आपका स्किन जो है वो सनलाइट को एक्सपोज नहीं होता। जिनका थोड़ा बहुत होता भी है वो सनस्क्रीन लगा के निकलते हैं, ग्लव्स पहन के निकलते हैं, और यही वो कारण है जो इस तरह की रिपोर्ट्स पैदा कर रहे हैं जहां हर दूसरी तीसरी रिपोर्ट में विटामिन डी की डेफिशिएंसी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, सूर्य की रोशनी में बहुत गुण है ना, थोड़ा उसको अपने शरीर का दर्शन करने दीजिए। और हां, याद रखिए, अगर आप पूरे ढक करके और आकर के धूप में बैठे हैं तो बात बनती नहीं, जहां वो रेज आपकी स्किन पर पड़ती हैं वहीं बात बनती है, है ना। तो अगर आप मान लीजिए सर्दियां आ रही हैं, अगर आप धूप में बैठते हैं तो मेक श्योर कि कुछ हिस्सा शरीर का खुला हो, हाथ पैर मुंह, है ना, सब कुछ ढक के बैठेंगे तो सिर्फ आपकी बॉडी को हीट मिलेगी, विटामिन डी नहीं। तो दोस्तों,
एकदम मस्त रहिए, इसके बारे में जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे देश में भरपूर है। और इस पर बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि विटामिन डी थ्री कैप्सूल और विटामिन डी थ्री के इंजेक्शन शॉट वगैरह वगैरह, ये नेचुरल तरीके से आपको मिल सकती है। और अगर आपको एक्यूट डेफिशिएंसी हो गई है, आपको तुरंत चाहिए, ज्यादा मिलना चाहिए, तो याद रखिए किसी भी गुमराह करने वाली दवाई की तरफ न जाइएगा। मैं आपको एक सिंपल इजी और सेफेस्ट सॉल्यूशन बता दे रहा हूं। एमवे कॉर्पोरेशन बनाती है न्यूट्रलाइट कैलमैग डी प्लस। इसमें आपको भरपूर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी प्लस जिंक, ये सब मिल जाता है, जो आपके सभी तरह के बोन फंक्शन, ब्रेन फंक्शन, इम्यूनिटी फंक्शन को इम्प्रूव कर देता है। ठीक है, अगर आपको ज्यादा जरूरत है तो आप सुबह दोपहर शाम दो दो टैबलेट्स खा सकते हैं, कम जरूरत हुई उससे थोड़ी तो एक एक टैबलेट खा सकते हैं। बिल्कुल कोई खास ऐसी जरूरत नहीं है, बस आप सिर्फ अपना विटामिन डी लेवल मेंटेन रखना चाहते हैं, कैल्शियम लेवल मेंटेन रखना चाहते हैं, तो आप एक सुबह एक शाम खा सकते हैं या रात में दो टैबलेट ले सकते हैं। दैट्स इट, वेरी सिंपल, है ना। तो डरने की कोई बात नहीं है विटामिन डी को लेकर, कम से कम हिंदुस्तान के लोगों को, राइट। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।